अस्सलाम वालेकुम जिमीदार दोस्तों, मैं हूं नवीद हसन एग्रोनॉमिस्ट। आप दोस्तों को मेरे YouTube चैनल पे खुश आमदीद। मेरी तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। दोस्तों, आज मैं जो जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने लगा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं और खासकर पाकिस्तान उससे बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है, तो उसकी वजह से फसलों में भी बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। किसी भी फसल को किसी भी टाइम पे अचानक जो है उस पर मौसमियाती तब्दीली का मसला आता है और सारी की सारी फसल जो है तबाह हो जाती है। उस तबाही से बचने के लिए हमें जरूरी है कि हम पहले नंबर पर तो ऐसी वैरायटियां लगाएं जो मौसमी असरात को बर्दाश्त कर सके, जो बहुत ज़्यादा गर्मी को, बहुत ज़्यादा सर्दी को, बहुत ज़्यादा तूफान को और इस तरह कहीं पे फ्लड की कंडीशन आ जाए तो उसको बर्दाश्त कर सकें, कहीं पे सूखा आ जाए, पानी ना मिल सके तो उसको बर्दाश्त कर सकें। तो ऐसे बीज लगाए जाएं, ऐसी वैरायटियां लगाई जाएँ ताकि वो बर्दाश्त कर सकें मौसमी असरात को और उनकी पैदावार मौसमी असरात की वजह से मुतासर ना हो। लेकिन अगर किसी जगह पर ये सारा कुछ करने के बावजूद ये इस तरह के मौसमी असरात बहुत ज़्यादा शदीद हो जाते हैं, कहीं पे सैलाब आ जाता है और कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, तूफान आ जाते हैं शदीद किस्म के, कहीं आग लग जाती है, तो उस मसले से जिम्मेदार दोस्तों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने फसलों का इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू किया है, जिसे बीमा प्रोग्राम कहते हैं, वो शुरू किया है ताकि जिम्मेदार दोस्त, वो जो खासकर छोटे जिम्मेदार हमारे जिम्मेदार हैं, वो जो अपनी सारी जमा पूंजी फसल पे लगा के बैठे होते हैं और अचानक से कोई नागहानी आफत आती है और वो सारी की सारी फसल जो उनकी वो खराब हो जाती है, तो उससे बचने के लिए वो उनका बीमा प्रोग्राम शुरू किया गया। तो बीमा प्रोग्राम के लिए जो शराइत क्या है, वो एक तो ये है कि 5 एकड़ वाला जो जिम्मेदार है उसका फ्री ऑफ कास्ट जो है वो बीमा, गवर्नमेंट उससे कुछ भी नहीं लेगी, किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं लेगी, और अल्लाह ना करे उसकी फसल किसी वजह से मुतासर होती है तो वो गवर्नमेंट उसको उसकी फसल का तमाम के तमाम नुकसान का अजाला करेंगे। और अगर जिम्मेदार वो 5 से 25 एकड़ का है तो उसके लिए आधा जो 50% जो है उसका प्रीमियम है बीमे का, वो जिम्मेदार को देना पड़ेगा और बाकी 50% गवर्नमेंट वो अदा करेगी। इस टाइम इस प्रोग्राम का जो फैलाव है वो तकरीबन पूरे पंजाब में हो चुका है। पहले 18 जिला में था, अब गवर्नमेंट ने बढ़ा के उसको 27 जिला में कर दिया। तो उस 27 जिला में ज्यादातर जिले कौन से आ रहे हैं, ये वस्ती पंजाब के और जनूबी पंजाब के, ये तमाम जिले जो है वो आ रहे हैं। अब वस्ती पंजाब के अगर बात करें जिलों की, इसमें कसूर, उकाड़ा, साहिवाल, सरगोदा, इस तरह जनूबी पंजाब में ये मुल्तान, व्याड़ी, खानेवाल, ये तमाम अजला जो हैं इसमें इंश्योरेंस का प्रोग्राम, ये तकरीबन पंजाब के 27 अजला में ये प्रोग्राम फैल चुका है। आप इसको पूरी डिटेल को आप, मैं वीडियो में नीचे भी आपको नज़र आ जाएगी। अब आगे अगर बात करें कि ये हम इस प्रोग्राम में कैसे एंटर हो सकते हैं, कैसे इसको अवेल कर सकते हैं, तो ज़िम्मेदार दोस्तों इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आप तहसील लेवल पे जाके आप वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं और सारा अपना डाटा दे के, तो वो आप इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए एल हो जाएंगे इसके। और दूसरा तरीका है कि आप घर बैठे अगर करना चाहते हैं, ऑनलाइन इसको अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है www.cropinsurance.gov.pk, आप ये जो वेबसाइट का लिंक है आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आप इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। मज़ीद अगर किसी किस्म का फिर भी आपके जहन में कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और अल्लाह ना करे किसी किस्म का कोई नागहानी आफात आती है, कोई मौसमियाती तब्दीली की वजह से कोई ज़्यादा मसला बनता है, कुदरती आफात आती हैं, तो इस जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो ज़िम्मेदार दोस्तों को वो इसके नुकसान का अजाला करेंगे। अभी तक तकरीबन 6 लाख ज़िम्मेदार जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड करा चुके हैं और उनमें से तकरीबन 7 हज़ार के करीब ज़िम्मेदारों को अगर जिनका किसी वजह से कोई नुकसान हुआ था तो वो इनको इंश्योरेंस कंपनियां उनका नुकसान का अजाला भी कर चुकी हैं। अब ज़िम्मेदार दोस्तों के जहन में सवाल आएगा कि ये जो नुकसान का अजाला है वो कब करेगी इंश्योरेंस कंपनियां,
तो जो आप लोग रबी की फसलें लगाते हैं जैसे ये गंदम वगैरह लगाई है, तो इसका अल्लाह ना करे कि किसी किस्म का कुदरती आफात आती है, तो इसके नुकसान का अजाला जून में गवर्नमेंट करेंगी इंश्योरेंस कंपनियां जो मुतल्लिका होंगी, और अगर खरीफ की फसलों का कोई में नुकसान होता है तो वो नुकसान का अजाला जो है वो दिसंबर में जाके करते हैं। साल में दो दफ़ा ये कंपनियां जो हैं वो नुकसान का ज़िम्मेदार का अजाला करती हैं। अब इस प्रोग्राम के बाद आप दोस्त जो वो ज़्यादा एतमाद के साथ फसलें काश करें, उनको उनकी देखभाल करें, और इस एतमाद के साथ कि अल्लाह करे कि हमारी फसलें किसी किस्म की कुदरती आफात से बची रहें, और अल्लाह ना करे अगर किसी किस्म का कोई इस तरह का मसला बनेगा तो गवर्नमेंट भी आप दोस्तों के साथ इस हवाले से हाज़िर है आप दोस्तों के नुकसान के अजाला करने के लिए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।